हमेशा की तरह अज 2 जून 20वीं सदी के योधे संत जरनैल सिंह का जन्मदिन उन्होंने जद्दी पिंड रोडे विखे जसवीर सिंह रोडे की अगवाई दे विच बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया। जिथे पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ का भोग पाया गया उत्थे भोग के बाद रागी जथियां दे वल्लों कीर्तन किया गया। इस मौके भारी गिनती लोगों ने शिरकत की। इस मौके हरिमंदर साहब के हैड ग्रंथी हरप्रीत सिंह तो इलावा होर धार्मिक ते सियासी संस्थावां दे आगुआं ने भी शिरकत की। इस दे नाल ही जथेदार जसवीर सिंह रोडे दे वल्लों सिख संगतां नूं अपील की गई अते नौजवानां नूं नशियां तों दूर रहण की नसीहत दी गई। सरबत संगतां नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असीं कई साल तों जिहड़ा महापुरखां दा जन्म दिहाड़ा 2 जून नूं मना रहे हां, संगतां दे विच इस चीज़ की मंग सी कि महापुरखों का जिहड़ा जन्म दिहाड़ा असली तरीक ते उन्होंने जन्म स्थान ते उन्होंने नगर विखे वड्डी पद्धर ते मनाया जाए। वैसे होर भी जथेबंदियां वख-वख तरीकां ते जन्म दिहाड़ा मनाउंदियां सी, उन्होंने नहीं सी पता भी तरीक कीड़ी है, पर धन्नवाद है जिहड़े मनाउंदे रहे उन्हां दा, क्योंकि हुण उन्हां दा असीं जो स्कूल दे विचों जन्म सर्टिफिकेट लिया है उहदे मुताबक 2 जून 1947 नूं उन्हां दा जन्म दिहाड़ा है। इसलिए असीं शुरू किया है कि 2 जून नूं ही इन्हां दे महापुरखां दे नगर विच उन्हां दे जन्म स्थान ते इह जन्म दिहाड़ा मनाया जावे। इसलिए कि वड्डी पद्धर ते सारियां ही संप्रदावां जिहदा अकाल तख्त साहिब सिंह सभावां सारियां जथेबंदियां नूं इकत्तर करके इह जन्म दिहाड़े ते विशेष इकट्ठ कीता गया। उन्हां दा भी धन्नवाद है, पर तरीक जिहड़ी है 2 जून है, इस करके जिन्ना चिर उन्होंने मनाया, क्योंकि एक नां नूं कामयाब रखण वास्ते उन्हां ने बहुत वड्डा उपराला कीता करी रख्या, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है उन्हां दा। असीं सिख कौम नूं यही अपील करनी चाहुंदे हां कि आपसी जिहड़े छोटे मोटे मतभेद है उन्हां नूं उभारिया ना जावे। अज सानूं स्टेट भी ते सेंटर भी जरगमाल समझ के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इत्थे देखो कोई सरकार आ जावे सानूं इंसाफ तों वांझे रखिया जा रहा, छोटियां छोटियां गल्लां दे विच उलझा के वड्डे केस पाए जा रहे हैं। जिहड़ियां स्टेट की डिवेलपमेंट वास्ते कम होने चाहिए है उहदे तों पासा वट्टिया जा रहा, जिहदे करके पंजाब दा नौजवान पंजाब छड्ड के बाहर नूं जा रहा, नशियां दा भरमार है उहदे तों कोई रोक नहीं लाई जा रही। इस करके असीं समुची कौम नूं ये मंग करते हैं कि आप तैयार पर तैयार होवो, अमृतधारी होवो, बाणी बाणी नाल जुड़ो ता कि असीं आप ही नशियां तों दूर रहीए ते अपना भविख आप बना सकीए। नहीं, अपनी सिख कौम वालों भी जो बहुत वधिया पैनल तैयार किया गया है, जिहड़ी रिव्यू कमेटी बनी हुई है उहदे कोल 2 वारी पेश हो चुके है। साडे कोल सरदार पूर्ण सिंह हुंदल वकील है बड़े पुराने, उन्होंने दस्सिया सानू कि NSA रह नहीं सकती, होर केस भावें जिन्हें मर्जी झूठे पा लैन पर NSA नहीं बन सकती। वो दूसरी हर 3 महीने बाद जिहड़ी रिव्यू कमेटी की मीटिंग होंदी है वो कहिंदे जी हुण मीटिंग होनी है, उहदे सामने जिहड़े 3 जजां का पैनल बनिया है उन्हां कोल कोई दलील बाकी नहीं रह जू कि इन्हें 3 NSA बनती है। इस करके सानू उम्मीद है कि बहुत जल्दी जी NSA सारे तो टुट जाएगी। देखो उसते भी असी बड़ी दृढ़ता ना लगे हुए हैं, पर बड़ी हैरानी की गल है कि बहुत सारे देखो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के मुजहरा करना धरना लाना जिंदाबाद मुरदाबाद केड़ी सरकार च नहीं होंगी, पर यह एक नवा ही भगवंत मान ने नवा ही एक एजेंडा बना लिया आपका कि जेड़ा कोई शांतमय भी धरना लाता है उन्हां दी गड्डियां भन दिओ, उन्हां नूं केसां तों फड़ के खिंचो जां जेलां सुट दिओ जां 307 तुसीं देखो किसी वकील नूं पुछ लो जिन्नी देर तक किसे दी लत्त नहीं टुटदी किसे दी हड्डी नहीं टुटदी उन्नी देर तक 300 तां बनदी ही नहीं। इत्थे किसे दे रोड़ा भी नहीं वज्जिया तां वी 307, इह फिरोजपुर च भी होया, अमृतसर च भी होया, जनाले च भी होया। इस करके जो कुछ हो रहा है ये असीं वजे वड्डे इकट्ठां दे विच इही फैसला लिया अज भी गांह असीं इकत्तर हो के इहते भी कमेटी बनावांगे, जिवें कि मेरी कल्ले दी ड्यूटी लाई सी पर मैं जिन्नी कु भज नठ कर सकिया मैं कीती, मैं पहुँच भी कीती, उस कुछ कामयाबी भी मिली पर पूरी कामयाबी नहीं, क्योंकि ये केस वापस होने चाहिए है।
ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੀ, ਇਕੱਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਿੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।